गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही दिन के 12 बजे से, इसलिए हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं नीचे। अपनी बेचारी बिलो 2.0 की सर्विस है, जिसकी सर्विस करवा लेते हैं। चलती नहीं है बेचारी आजकल ये ज़्यादा, पर सर्विस तो करवानी पड़ेगी। बाकी लिटिल बिट राइड की वीडियो मैं डालूँगा, थोड़ी बहुत अभी जाते हुए करूँगा कुछ ना कुछ शूट। बाकी मेरा एक भाई यहाँ, उसको काम है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल आ गया शायद, चलते बाइक स्टार्ट, लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन और आज की राइड। ये आज जगह जा रहा है अपना बड़ा भाई, उसको कैमरे में आना पसंद नहीं है। मना करता था कि भाई मुझे कैमरे में, मुझे वीडियो में मत लेना। बाकी गर्मी आती है देखते हैं। बंदा गाड़ी रोक नहीं रहा था, वो ऑब्वियसली क्यों रोकेगा यार, मैं कुछ मैं गलत हूँ, वो क्यों रोकेगा। नारे पानी, वाह गर्मी आ गई है, मतलब ऑफिशियली गर्मी आ चुकी है। अपनी बाइक, वाह नज़ारा देखो, वाह अपनी बाइक मस्त न्यूट्रल चलती है भाई। बिना ABS की बाइकों का यही तो फायदा है। PS4 है ना, इसको न्यूट्रल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको न्यूट्रल जैसे मर्जी चलाओ आप, इसका इंजन ऑन करके भी, मतलब इंजन सॉरी किल स्विच बटन ऑन करके भी न्यूट्रल चला सकते हो। मतलब इसकी बैटरी डेड होने का कोई स्यापा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और PS6 तो भाई ज़रा सा भी लाइट क्या, ज़रा सा मीटर ऑन रह गया तो बैटरी डेड, ख़त्म स्टोरी, फिनितो। बाकी आप लोग नज़ारा देखो, वाह ये रोड जो है ना बाबा, ये बड़ा सेक्सी रोड है। यहाँ पे लीन बड़े सेक्सी बसते हैं, मतलब रेसिंग ट्रैक वाली फीलिंग आती है एकदम, बड़े ही सेक्सी लीन बसते हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग नज़ारा एंजॉय करो। आज मैंने सोचा है कि मैं रैश नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा आज, बिल्कुल आराम से जाऊँगा, आराम से आऊँगा। और गर्मी बाबा इतनी लग रही है आज, मैं बड़े दिनों के बाद नीचे आता हूँ, मुझे तो गर्मी लगती है या क्या सीन है, बट कुछ तगड़ा ही सीन है। और वैसे भी मेरे से गर्मी सहन नहीं होती यार ना, मतलब झूठ क्या बोलना आप लोगों से, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती बिल्कुल भी। और नज़ारा तो मस्त है एकदम, अगर अभी बाइक स्टार्ट होती तो सेक्सी लीन बसते। और अभी मैंने कहा ना कि आज मैं बिल्कुल भी रैश नहीं करनी है ड्राइविंग, आज बिल्कुल आराम से ड्राइविंग करूँगा मैं आज। नो लीन गेम्स बाबा। मेरे पीछे बस वाला या ट्रक वाला पता नहीं क्या चल रहा है, उसको शायद आगे निकलना है तो निकलने ही देते भाई। बस वाला था पीछे निकल, आगे निकलने की सोच रहा था, मैंने कहा चलो निकलने देते हैं यार ना। स्पेशल साउथ इंडियन, जय हनुमान। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाऊँगा सनी भाई के पास जा रहा हूँ यार ना, बाइक की सर्विस करवाने। लास्ट टाइम आपने देखा होगा एक्चुअली, ये सर्विस मैंने अभी 2 महीने पहले इसकी सर्विस करवाई, उसके बाद ये बाइक चली नहीं है, पर थोड़ी बहुत चलाई है। पर ये है कि यार मैं मतलब 1-2 महीने के बाद अपनी बाइक की सर्विस करवा ही लेता हूँ, मतलब जब ये निकले, जब भी इसको मैं निकालता हूँ तो फिर खतरनाक इस पर रैश, खतरनाक वाली रैश राइडिंग होती है इस पर, खतरनाक वाली ना, कोई ऑफ रोडिंग कोई क्या कोई क्या। मैं हर चीज़ शूट नहीं करता, हर चीज़ नहीं डालता हूँ,
क्योंकि अगर हर चीज़ डालूंगा तो घर वाले भी देखते हैं और बाकी लोग भी देखते हैं, दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं खतरनाक चीज़ डालता नहीं हूँ उस पर अपने चैनल पर। आज तो फिलहाल मैं राइड इंजॉय कर रहा हूँ, हल्की हल्की बस बिल्कुल स्मूथ बाइक चला रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। आज नो लीन गेम्स, आज बिल्कुल आराम से जाएंगे। मतलब एकदम से ऐसा रोड आ जाता है ना जब, और पूरा मूड ऑफ हो जाता है। ये लगी बेचारे की गाड़ी नीचे, मेरे पीछे से चला इसकी, निकल गया ऊपर वाली साइड, आगे से निकला। आप देख रहे हो मेरी स्पीड 80, 90, 21, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी आज बाइक, आज शायद ही इससे ऊपर जाएगी बाइक, बाकी क्या पता बीच में दिमाग खराब हो जाए, वो अलग बात है। क्योंकि बाइकर्स का दिमाग आपको पता है कि रोड देख के दिमाग खराब होना नहीं बोलते उसको, अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार बाबा सेक्सी रोड है, तो थोड़ा खींचते हैं, थोड़ा लीन गेम्स ये वो, मतलब ना लीन करने में जो मजा आता है। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा रोड मिलेगा और ऊपर से हम नीचे तो कभी कभी आते हैं हम लोग, तो हमें अगर ऐसा रोड मिलेगा तो बाबा हम तो मौके का चौका मारेंगे ही ना, मौके का चौका, हम तो मजा लेंगे ही लेंगे राइड का। ये वाला रोड भी मस्त है, बट देख रहे लौटे को फास्ट ओवरटेक करना पड़ेगा, सारे ना यार ये बाइक छह साल हो गए इस बाइक को, लगता नहीं कि 6 साल हो गए, क्या ही उठती है यार ये बाइक, देखो उठती है यार ये बाइक। पल्सर है यार भाई ना, क्या लीन मस्त है इस बाइक पे। भाई यार यहाँ नीचे आके इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, क्या ही कहूँ मैं। आइसक्रीम इतनी गर्मी है ना भाई यहाँ पे, कि परसों ग्रह में आई यहाँ भाई मिल गया आइसक्रीम वाले। यहाँ नीचे
यही तो मज़ा है, आइसक्रीम शेक ये वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ यहाँ आके। टेस्टी है भैया आइसक्रीम, धूप इतनी ज़्यादा है ना। ये भाई ने दी हमें आइसक्रीम, भाई टेस्टी आइसक्रीम ना, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप भी, ठीक है, आप भी आओगे आज मेरी वीडियो में। भाई को दिखा जाते हैं अपने चैनल का नाम, भाई यूट्यूब में सर्च करोगे आप यंगस्टर गद्दी करके तो आ जाएगा। कौन सा यंगस्टर गद्दी? यंगस्टर गद्दी भाई की दुकान मटोर पुल पे बिल्कुल सामने है भाई, यही लगाते हो आप रोज ही दुकान? भाई यही दुकान लगाते हैं, ज्यादा महंगी आइसक्रीम भी नहीं देते हैं और आइसक्रीम भी टेस्टी है भाई इनकी। जब भी अगर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ भाई से आइसक्रीम जरूर खाना, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट देंगे भाई, 30 रुपए की आपको 20 रुपए में देंगे। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੋ 2.0 ਕੀ ਅਭੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਬੜੇ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਲਾ ਬੇਚਾਰੀ ਕੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਆਜ ਇਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਨੋ ਸਨੋ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬਾਈਕ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ। आफ्टर वॉशिंग अपनी बिलो 2.0 चमक गई है, ये दो भाइयों ने धोई है मेरी बाइक, बड़ी मस्त धोई है। और लोकेशन देखो भाइयों की, शॉप्स कितनी अच्छी जगह पे है, ये शॉप आगे पीछे ग्रीनरी है पूरी। और मैं बता दूं कि ये मटोर पे है, बस थोड़ा सा आगे आके ही है भाइयों की दुकान। अच्छी बाइक धोते हैं भाई, अच्छी गाड़ी धोते हैं, अगर किसी को गाड़ी वगैरह धुलवानी हो तो यहाँ आ सकता है। बड़े दिनों के बाद बाइक 100+ हुई, अब तेरी पुरानी होगी तो इसको इतने भगाने का मन नहीं करता है। ठीक है गाइस, गुड बाय, इतना ही था आज के ब्लॉग में, अब लेट भी हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा घर के लिए। होप सो कि आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत अच्छा लगा होगा तो लोगों को भी शेयर कर देना, ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।